नमस्कार दोस्तों, आयकर संबंधी अपनी चर्चा की श्रृंखला में मैं आज आपके साथ टीडीएस ऑन सैलरी पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, पर्टिकुलरली सैलरीड पेड एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि इन दिनों जब जनवरी महीना चल रहा है, आगे 2 महीने और हैं, तो जो भी सैलरीड पेड एम्प्लॉयज हैं उनके टीडीएस के संदर्भ में उनके एम्प्लॉयर्स उनसे इन्वेस्टमेंट के प्रूफ मांग रहे हैं, या उनका जो भी शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस हुआ होगा वो शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस इन 3 महीने की तनख्वाह में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में 2 महीने की तनख्वाह में से कटने वाला है। अब कुछ प्रश्न जो यहां पर निकल करके आते हैं वो क्या है कि जब एम्प्लॉय सैलरी का टीडीएस कटवा रहा है तो उसे किन-किन बातों का ध्यान रखना है, या एम्प्लॉयर को किन-किन बातों का ध्यान रखना है। दोनों के लिए बात एक ही है। अगर एम्प्लॉय ने अपनी बात का ध्यान रख लिया तो एम्प्लॉयर उस चीज को ध्यान रख लेगा, एम्प्लॉयर ने रख लिया तो एम्प्लॉय की भी कंप्लायंस हो जाएगी। पहली बात तो ये सर कि एक नजरिया आप डेवलप करें कि एज एन एम्प्लॉय अगर मेरा टीडीएस ज्यादा भी कट जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि टीडीएस ज्यादा कटने पर मैं आईटीआर के थ्रू रिफंड क्लेम कर लूंगा। लेकिन ऐसा कोई चाहता नहीं है कि उसका टीडीएस ज्यादा कटे। सब ये चाहते हैं कि जितना हो उतना ही कटे, ज्यादा ना कटे। लेकिन सर, सैलरीड पेड एम्प्लॉयज के केसेस में एक बात ये निकल करके आती है कि कई बार सैलरीड पेड एम्प्लॉयज के पास कोई और इनकम होती है, जैसे रेंट की इनकम, एफडीज के इंटरेस्ट की इनकम, या कोई उन्होंने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से भी रिटर्न आ रहा है। तो क्या उस इनकम को, रेंटल इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को उनको एम्प्लॉयर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? तो सर, मेरा आंसर तो बड़ा सरल है, हालांकि इसकी अनुपालना मुश्किल हो पाती है। वो आंसर यही है सर कि आपकी जो भी अन्य आय है आप उसे अपने एम्प्लॉयर को बताएं, एम्प्लॉयर उस अन्य आय को ध्यान में रखते हुए आपका टीडीएस काटेगा। इसका क्या फायदा है सर? यदि एम्प्लॉयर ही उस इनकम को ध्यान में रख के उसके ऊपर टीडीएस काट लेता है तो आपकी टीडीएस जमा कराने की, यानी एडवांस टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं तो अगर आप नहीं बताएंगे एम्प्लॉयर को और कल आपका सीए या आपका टैक्स कंसल्टेंट आपकी रिटर्न भरते समय उसका डिफरेंस टैक्स निकाल के लाएगा, और मैं मान लूं कि वो टैक्स लाइबिलिटी जो रिमेनिंग है वो 10,000 रुपये या उससे ऊपर आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एज एडवांस टैक्स नहीं देने की वजह से सेक्शन 234C का ब्याज देना पड़ सकता है। तो क्या सर, यदि एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काट लेता है तो बहुत अच्छा है उस अन्य आय पर भी, लेकिन जब एम्प्लॉयर को आप अन्य आय बताएंगे तो आप एम्प्लॉयर को उस अन्य आय से, फॉर एग्जाम्पल रेंट या इंटरेस्ट, उसके ऊपर काटा गया टीडीएस भी बता सकते हैं। एंड एम्प्लॉयर इज देन अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर दैट अदर इनकम अलॉन्ग विद द टीडीएस देयर ऑन। एम्प्लॉयर उस दूसरी इनकम को और उस दूसरी इनकम पर जो भी टीडीएस कटा है उन दोनों को ध्यान में रखते हुए फाइनल टीडीएस लाइबिलिटी डिडक्ट करने के लिए लाइबल है। हालांकि सर, एज एन एम्प्लॉयर जितने भी एम्प्लॉयर हैं उन सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 12 महीने में समान रूप से टीडीएस काटें, परंतु ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर एम्प्लॉयर लास्ट के 3 महीनों में टीडीएस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये प्रवृत्ति गलत है, इसमें सुधार आना चाहिए। एम्प्लॉयज को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और एम्प्लॉयज को भी ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए एज एन एम्प्लॉय यदि किसी परिस्थिति में मेरे कोई डिडक्शन है जिनको कि मैं एम्प्लॉयर को देना चाह रहा हूं कि सर ये मेरा एचआरए का एग्जम्पशन ले लीजिए, ये मेरा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, ये मेरी 80G की रसीदें हैं शामिल कर लीजिए, 80E शामिल कर लीजिए, और एम्प्लॉयर उन्हें किसी वजह से कंसिडर नहीं कर पाता, भूल गया या मना ही कर दे, नहीं करना चाहिए ऐसा मना तो, लेकिन कर दे तो एम्प्लॉय शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। एम्प्लॉय अपनी रिटर्न के अंदर वो सारे डिडक्शन, वो सारे बेनिफिट क्लेम कर सकता है। सो मैं अपनी बात को अब वापस समराइज करता हूं और ये कहता हूं कि एज एन एम्प्लॉय मेरी अन्य आय को मुझे एम्प्लॉयर को बताने में कोई झिझक नहीं है। एम्प्लॉयर फिर अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अन्य आय को शामिल करते हुए मेरा टीडीएस काटे। यदि एम्प्लॉयर उस अन्य आय को शामिल नहीं करता, चाहे मैं नहीं बता रहा या वो नहीं शामिल कर रहा, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे उस रिटर्न की, उस इनकम को अपनी रिटर्न में शामिल करना है, उसके टीडीएस को अपने रिटर्न में क्लेम करना है, और अकॉर्डिंगली मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है। इसके साथ साथ सर, यदि मैं इस बात पर भी चर्चा करूं कि एम्प्लॉयर कोई स्पेसिफिक केस में मेरे किसी पर्टिकुलर क्लेम को कंसिडर नहीं करता, या वो जो क्लेम का अमाउंट है उसको वो प्रॉपरली नहीं कंसिडर करता, तो एज एन एम्प्लॉय मुझे कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्म 16 इज नॉट फाइनल। व्हाट इज फाइनल इज माय आईटीआर। तो यदि कोई चूक रह भी जाती है
कि टीडीएस ज्यादा कट गया, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एम्प्लॉय को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी रिटर्न में फाइनली रिफंड क्लेम कर सकता है। तो सर, टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड ये एक छोटा सा डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, परंतु मैं जानता हूं कि बहुत सारी क्वेरी सर टीडीएस ऑन सैलरी चलती है मार्केट में। यदि कोई और विशिष्ट क्वेरी होगी तो मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए